अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इशर किचन में आपका बहुत ही बेहतर वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके लेकर आई हूँ फिश रेसिपी, वो भी केयरलेस टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, आप मुझे अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दे सके मेरे वीडियोस को ज्यादा शेयर करके, लाइक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हम फिश बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम फिश ले लेंगे, जो कि 1 kg मैंने ली है। ये मेरी रू फिश है जिसको मैंने धो के अच्छे से रख लिया है। फिर मैंने लिया है 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon नमक। फिर मैंने यहाँ पर लिया 1/4 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर। ये हम अपनी फिश को मैरिनेट करने में यूज़ करेंगे और ये हम अपने मसालों में यूज़ करेंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1/4 teaspoon मेथी दाने, 1/4 teaspoon राई, 1 tablespoon मैंने इमली ली थी जिसको मैंने भिगा के रख दिया है। फिर ये देखिए 1 medium size की मैंने प्याज ले ली है, थोड़ी सी अदरक ले ली है मैंने, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 हरी मिर्च। इसका हम मसाला रेडी करेंगे और ये हम गरम मसाला रेडी करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 गोल मिर्च ले ली है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अक्खी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। 4 मैंने लौंग ली है, 15 से 20 काली मिर्ची, 1/2 teaspoon जीरा, 1 teaspoon धनिया, अखा धनिया लिया है मैंने। और ये मैंने 1/2 cup लिया है कोकोनट मिल्क, जो कि मैंने घर में ही निकाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम अपनी फिश को मैरिनेट कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने फिश ले ली है, इसमें हम ऐड करेंगे अपना ये मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, सारे मसाले अच्छे से फिश पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिश पे मैंने अच्छे से मसाले अप्लाई कर दिए हैं। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और अपनी दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए हमने अपनी फिश तो मैरिनेट करने रख दी है, अब हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसकी देखिए सबसे पहले हम जार में अपनी अदरक ऐड कर देंगे कट करके। तो ये देखिए मैंने इसमें अदरक ऐड कर दी है, मैंने रफली चॉप करके ऐड कर दिया अदरक, क्योंकि हमें पीसना है उसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कलियाँ और अब हम इसमें प्याज भी कट कर देंगे। प्याज को भी हम रफली कट करके ऐड कर देंगे। और चलिए अब हम इसमें हरी मिर्ची भी कट करके ऐड कर देंगे। बीच में से 2 पार्ट कर दे रही हूँ मैं हरी मिर्ची के। और बस ज़रा सा हमने हरा धनिया लिया, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और चलिए अब हम अपना मसाला पीस लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना मसाला खूब अच्छा पीस लिया है। देखिए कैसे फाइनली पेस्ट रेडी किया है मैंने। इसको हम रखते हैं साइड पे और अब हम अपनी गैस ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गैस पे हम रख देते हैं तवा, तवे को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो ये देखिए हमारा तवा गरम हो चुका है। अब हम इस पर ऐड कर देंगे अपने गरम मसाले, मिर्ची, अक्खी धनिया, ज़ीरा, काली मिर्ची, लौंग, और इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे एटलीस्ट 30-40 seconds के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और इन मसालों को एक प्लेट में निकाल देंगे। और जैसे ही हमारे मसाले ठंडे हो जाएंगे हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम सेम तवे में ऐड करेंगे ऑयल हमारी फ़िश फ्राई करने के लिए। और चलिए फ्रेंड, तवे पर हम ऐड करेंगे ऑयल और अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें अपनी मछली फ्राई कर लेंगे। और चलिए गैस की फ्लेम लो कर दी है मैंने। अब हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे एक साइड से। ज़्यादा टाइम फ्राई नहीं करेंगे तो हमारी फिश यहीं पर गल जाएगी, फिर हमें इसको ग्रेवी में भी पकाना है तो ये ओवर कुक हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ से पकाएंगे एक साइड से और एक साइड से 2 मिनट के लिए। फ्रेंड, जब तक हमने अपनी फिश फ्राई पर रखी, हमारे गर्म मसाले ठंडे हो चुके हैं तो हम इनको भी ग्राइंड कर लेते हैं फटाक से। बिस्मिल्लाह। और ये देखिए फ्रेंड, इसको फ्राई होते हुए 2 मिनट कम्प्लीट हो गए। अब हम इसको टर्न कर देते हैं।
चलिए सेकंड साइड से भी हम इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं इस मछली को सेकंड साइड से भी फ्राई होते हुए, तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बिस्मिल्लाह। और ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम हमारी जो मछली बची है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी फिश फ्राई हो चुकी है। और ये देखिए हमने कितना एकदम बारीक सा अपना गरम मसाला भी पीस लिया है। और चलिए अब हम गैस पे से हटाते हैं तवे को और गैस पे रख देते हैं अपनी कढ़ाई। और चलिए अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑयल। मैं यहाँ पर 100 ग्राम ऑयल यूज़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम अपने ऑयल को गर्म होने देंगे। तो चलिए हम तड़के में यूज़ करेंगे ये मेथी और राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। ये देखिए हमारा कड़ी पत्ता, मेथी दाने, राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये मसाला जो कि हमने अभी रेडी किया था, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सब ये अब इसमें ऐड कर देंगे। और चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और नमक। और चलिए इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो हम गैस की फ्लेम लो करते हैं और ये जो हमने इमली भिगाई थी इसको हम अच्छे से मैश करते हैं पानी में और इसको अपने मसाले में ऐड करते हैं। खूब अच्छे से मैश कर लेंगे। और मेरी वैसे भीगी हुई इमली थी तो इसको मैश करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए आप भी इसको पहले से भिगा लें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। और चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको स्ट्रेन करके इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारे ग्रेवी में जो खटास आती है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम इसमें इमली ऐड कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये इमली का पानी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर देते हैं। और इसी के साथ साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना कोकोनट मिल्क। ये मेरा होममेड मिल्क है और अब हम इसको अच्छे से इसके साथ पका लेंगे अपने मसाले के साथ। और चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। हमें जैसी अपनी ग्रेवी चाहिए, जितनी थिक या लिक्विडी उसके हिसाब से पानी ऐड करेंगे इसमें। तो चलिए 1/2 कप पानी और ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 1 कप पानी यूज़ किया है। और देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, मुझे इतनी ही लिक्विडी चाहिए अपनी ग्रेवी। और चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करते हैं गर्म मसाला जो कि हमने रोस्ट करके ग्राइंड किया था। 1/2 टीस्पून ये मसाला ऐड कर रही हूँ। और चलिए हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। फ्लेम हाई करते हैं गैस की और इसको बॉईल आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें बॉईल आ चुका है। हम अपनी गैस की फ्लेम लो कर देंगे और एक एक करके इसमें अपने फिश के पीसेज ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस फटाफट से रेडी हो जाएगी हमारी टेस्टी टेस्टी सी फिश करी। और चलिए फ्रेंड्स अब हम इसको ढक देते हैं और लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी फिश को पकते हुए 4 मिनट कंप्लीट हो गए। तो हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं, 2 मिनट इसको सेटल होने देते हैं और फिर गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स रेडी है माशाल्लाह हमारी टेस्टी सी मजेदार सी फिश करी। तो इसे आप भी जरूर बनाइए, ट्राई करिए, अपनी प्यारी फैमिली को खिलाइए, मुझे प्यार दे कमेंट्स करिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। प्लीज कीप सपोर्टिंग।